हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी में। हमने जो एमपीपीएससी 2018 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है, मैं आज आपका उसके लिए उसका आज मैं आपके लिए पार्ट फाइव लेके आया हूँ। अभी तक हमने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर देख लिए। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था ओलंपिक के बारे में, रियो ओलंपिक। पार्ट टू में हमने देखा था पैरा ओलंपिक। पार्ट थर्ड में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप एंड इसके बाद हमने देखा था नोबेल प्राइज। आज हम देखेंगे ग्रैंड स्लैम, जो कि करेंट अफेयर्स स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके बारे में हम देखेंगे आज की ग्रैंड स्लैम किसने जीता, मेन सिंगल्स वुमेन सिंगल किस तरह ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब पे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वन स्टॉप स्टडी, जिससे कि मैं कभी जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं डालूंगा आपको मैसेज आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे ग्रैंड स्लैम पे। देखिए, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आर आल्सो कॉल्ड मेजर्स। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम मेजर्स बोलते हैं। आर द फोर मोस्ट इंपोर्टेंट एनुअल टेनिस इवेंट्स। ठीक है, टेनिस के चार इवेंट्स हैं। ठीक है, आर फोर मोस्ट इंपोर्टेंट एनुअल टेनिस इवेंट। द ग्रैंड स्लैम इटिनरी कंसिस्ट ऑफ, देखिए पहला जो होता है वो आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में। ठीक है, दूसरा जो होता है वो फ्रेंच ओपन होता है मई एंड जून में। तीसरा आपका होता है विंबलडन, जो कि जुलाई में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और चौथा होता है आपका यूएस ओपन, लास्ट में यूएस ओपन होता है अगस्त एंड सेप्टेम्बर में। ठीक है, देखिए ईच टूर्नामेंट इज प्लेड ओवर अ पीरियड ऑफ टू वीक्स। ईच टूर्नामेंट इज प्लेड ओवर अ पीरियड ऑफ टू वीक्स का ईच टूर्नामेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि देखिए ऑस्ट्रेलियन एंड यूनाइटेड यूएस ओपन, ये दोनों जो है वो खेले जाते हैं किस पर, हार्ड कोर्ट पे। जो ग्राउंड होता है उसको बोलते हैं हार्ड कोर्ट। ठीक है, जो यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन जो खेले जाते हैं वो आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, और जो फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले पे खेला जाता है। इसके बाद जो विंबलडन होता है वो ग्रास पे खेला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है इसके बारे में। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए विंबलडन ओल्डेस्ट जो ग्रैंड स्लैम्स, ओल्डेस्ट जो टेनिस टूर्नामेंट है इज विंबलडन। विंबलडन फाउंडेड इन 1877 फॉलोड बाय द यूएस, इसके बाद यूएस ओपन, ठीक है ना, 1881 में, इसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 में एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन इन 1905। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके, ये तो ये ऑल अबाउट था ग्रैंड स्लैम के बारे में। आपको इतना याद रखना है कि ये ग्रैंड स्लैम टोटल चारों इवेंट्स को, टेनिस के जो चारों मेजर्स इवेंट होते हैं उनको मिलाकर ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। ग्रैंड स्लैम को ऑल्सो कॉल्ड मेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन की सीरीज बाय जाते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, इसका फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, और इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 2 वीक्स का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलियन और यूनाइटेड यूएस ओपन दोनों आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन आपका क्ले पे खेला जाता है, और विंबलडन ऑन ग्रास पे खेला जाता है। और सबसे जो पुराना ओल्डेस्ट जो हैगा वो आपका क्या हैगा, ओल्डेस्ट जो है वो आपका विंबलडन। विंबलडन इज द ओल्डेस्ट टेनिस इवेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम देख लेते हैं इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या ले सकते हैं। देखिए, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आर नॉट ऑपरेटेड बाय एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस ATP आर द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA विच वर फॉर्मली फाउंडेड इन 1972 एंड 1973। ठीक है, तो ATP और WTA के द्वारा ये ऑपरेट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इनको जबकि जो ATP एंड WTA होती है वो क्या काम करती है, अडू अवार्ड रैंकिंग पॉइंट्स बेस्ड ऑन अ प्लेयर्स परफॉर्मेंस एट अ मेजर। मेजर मीन्स चारों स्लैम्स में जो टेनिस के इवेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, उनमें प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको अवार्ड और रैंकिंग पॉइंट दिए जाते हैं ATP और WTA के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं द ग्रैंड स्लैम्स विदाउट क्वालिफिकेशन ऑल्सो ओरिजिनली रिफर्स टू द अचीवमेंट्स ऑफ विनिंग। देखो, ग्रैंड स्लैम उसको बोला जाता है जो चारों इवेंट्स, चारों जो कि आपके हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन, चारों एक ही कैलेंडर ईयर में जो जीतता है उसको ग्रैंड स्लैम का अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये एक पांच कैटेगरी में ही खेला जाता है। पहला आपका होता है वुमेन्स, पहला आपका देखिए पहला होता है मेन्स सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल, यहाँ से दो। ठीक है, इसके बाद आता है मेन्स एंड वुमेन्स डबल, तो यहाँ से दो, और एक होता है मिक्स डबल। तो टोटल यहाँ पे
एक मिक्स डबल, तो टोटल जो कैटेगरीज होती है फाइव कैटेगरीज में ये खेला जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अब ये इतना आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में याद रखना है, जो हिस्ट्री है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में। ठीक है, मैंने ये आपको बता दी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि 2017 में जो ग्रैंड स्लैम खेले गए उसमें विनर्स कौन रहे, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर। देखिए 2017 में जितनी जो चारों चारों टेनिस टूर्नामेंट हुए हैं ग्रैंड स्लैम्स, उसके बारे में हम देख लेते हैं। 2017 के ये हैं। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मिड जनवरी या लेट जनवरी में खेला गया था मेलबर्न पार्क में, वहां पे देखिए मेन सिंगल्स में आपके रोजर फेडरर रहे। ठीक है, ये याद रखना है मेन सिंगल्स। वुमेन सिंगल्स में आपके सेरेना विलियम्स रहे। ठीक है, और बाकी मैंने यहाँ पे मेन्स डबल्स और वुमेन्स डबल्स के भी आपको दे दिए हैं, तो आप उनको एक बार देख लेना। मिक्स डबल्स में ये रहे आपके। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच ओपन में आप देखिए, फ्रेंच ओपन में ये तो याद ही रखना, मेन्स वुमेन्स सिंगल्स ये आपको याद रखना, और फ्रेंच ओपन को आप जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना जी ने जीता था, गैब्रिएला डेब्रोस्की और रोहन बोपन्ना, ये दोनों मिक्स डबल में थे, तो ये आप इंपोर्टेंट याद रखना, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे एक ग्रैंड स्लैम में रोहन बोपन्ना और गैब्रिएला डेब्रोस्की के साथ उन्होंने मिक्स डबल का फ्रेंच ओपन जीता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो मेन्स सिंगल्स और वुमेन्स सिंगल है इनको तो आपको याद रखना ही है, साथ में ये फ्रेंच ओपन का जो मिक्स डबल है जिसमें कि भारत की साइड से रोहन बोपन्ना ने जीता है, आप उसको याद रखिए। ठीक है, इसके बाद हम और भी देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन मैंने बता दिया राफेल नडाल ने जीता, विंबलडन में देखिए विंबलडन रोजर फेडरर, तो रोजर फेडरर ने दो जीते ऑस्ट्रेलियन एंड विंबलडन, यहाँ पे रोजर फेडरर ने दो जीते हैं ऑस्ट्रेलियन एंड विंबलडन मेन सिंगल्स में, और फ्रेंच और यूएस ओपन आपके राफेल नडाल ने जीते हैं, ये आप याद रखना। और जो वुमेन्स सिंगल्स में है सेरेना विलियम्स ने जो चारों ने अलग अलग जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सेरेना विलियम्स ने जीता है, फ्रेंच ओपन आपका जेलेना पेस्को ने जीता है, और आपका गैब्रिएला मुजुरुंगा ने जीता है, यूएस ओपन आपका सोलेने स्टीफेंस ने जीता है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट था आपका, ऑल अबाउट था ग्रैंड स्लैम के बारे में। ठीक है, तो आप इतना याद रखना, और इसी तरह मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, मैं ऐसे ही आपकी करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो यदि आप फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी आप वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।